अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम नया फोन क्यों खरीदें। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी बेशुमार फोन आए महीने ही लॉन्च करती रहती हैं। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ पुराने जमाने की, इतने पुराने जमाने की भी नहीं बात करा फ्रेंड, बात करो कुछ टाइम पहले की, ऐसे साल दो साल पहले की, तो फ्रेंड क्यों मोबाइल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर छाया हुआ था। और फ्रेंड आए दिन ही आपको नया स्मार्टफोन देखने को मिलता था, जिसकी सीरीज होती थी एस सीरीज, पी सीरीज, टीपी, पता नहीं कौन कौन सीरीज वाले स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता क्यू मोबाइल। लेकिन फ्रेंड आप जानते हैं क्यू मोबाइल का नाम भी नहीं रह गया, एडवर्टाइजमेंट भी अब नहीं आती उनके फोन की। तो फ्रेंड ये तमाम का तमाम सिनेरियो था। लेकिन और फ्रेंड इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज भी हर महीने ही अपना नया फोन लॉन्च करते रहते हैं। और फ्रेंड मार्केट के अंदर इतने ज्यादा स्मार्टफोन हो चुके हैं कि अब फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा स्मार्टफोन अपने प्राइस टैग के अंदर तगड़ा फोन स्मार्टफोन है। और फ्रेंड आज हम इसी के मुताबिक जानेंगे और बात करेंगे आखिर हम नया स्मार्टफोन क्यों खरीदे हैं। भाई हमारा क्या हो गया, भाई हमारे पुराने स्मार्टफोन को हम उसकी जगह नया स्मार्टफोन खरीदें। तो फ्रेंड आज इसी के मुताबिक बात करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, इसी की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने डिवाइस को चेंज करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है, या फिर हम अपने डिवाइस को क्यों एक नई डिवाइस के साथ तब्दील करें। फ्रेंड जो सबसे बड़ा मसला होता है फ्रेंड, वो होता है अपडेट्स का। यानी कि जो कंपनीज होती हैं उनका एक क्लेम होता है कि एक हद होती है, कहती है हम दो अपडेट देंगे या तीन अपडेट देंगे, उसके बाद आपके फोन को अपडेट नहीं भेजेंगे। अब फ्रेंड मैं आपको ये बताता हूँ कि अपडेट क्यों रखना जरूरी है फोन को। फ्रेंड अगर आप थोड़ा सा भी इथिकल हैकिंग के मुतालिक जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बग होता है, जो भी चीज होती है उसमें कहीं ना कहीं बग होता है। तो अब उस बग को फिक्स तो करना होता है, क्योंकि अगर वो बग हैकर्स के हाथ लग जाए तो इजीली आपके फोन तक एक्सेस ले सकते हैं और उसमें तमाम का तमाम डाटा आपका चोरी करके लेके जा सकते हैं। फिर इसी वजह से कंपनीज क्या करती हैं कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड करती रहती हैं ताकि अपने बग को फिक्स किया जा सके। जैसे कि आप विंडोज में भी आप देखते हैं कि आपको वक्त गुजरने के साथ साथ अपडेट मिल रही होती है। फिर ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की बनाई चीज डिफेक्टेड पीस होने की वजह से उसमें बग रह जाते हैं। और अब बग को फिक्स तो करना है, क्योंकि अगर एक पता चल जाए चोर को भाई इस ताले को ऐसे खोलना है तो वो तो फ्रेंड घुस जाएगा ना दरवाजा खोल के अंदर, फ्रेंड उससे भी तो बचाना है। तो फ्रेंड इसी वजह से ये तमाम कंपनीज क्या करती हैं कि वक्त वक्त अपडेट्स देती रहती हैं। अब मसला क्या है फ्रेंड, मसला ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि तीन अपडेट देते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि एक अपडेट के बाद छुट्टी। अब फ्रेंड कुछ नई जो कंपनीज आ रही हैं वो कुछ क्लेम कर रहे हैं कि आपको यानी कि नेक्स्ट तक, यानी कि नेक्स्ट टू इयर्स तक आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं नोकिया की, नोकिया फ्रेंड वादा कर चुका है दो एंड्रॉयड का, यानी कि 9 की भी अपडेट देगी और आपको 10 की भी अपडेट मिलेगी, यानी कि 10.0 की भी आपको अपडेट दी है। पता है फ्रेंड ये नोकिया क्लेम करता है ताकि अपनी मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखे। और फ्रेंड इसके अलावा जो एंड्रॉयड 1 की डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि नोकिया की डिवाइस है वो एंड्रॉयड 1 पर काम कर रही होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बेटर और एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ भी फालतू आलतू कि उसके अंदर एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो Xiaomi के अगर दूसरे फोन लें या किसी भी दूसरे ब्रांड के फोन लें तो पटांग के उनके अंदर अपनी उनकी कंपनी ने डाली होती है एप्लीकेशन। तो फ्रेंड वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपको बहुत ही क्लीन और बहुत ही कमाल का इंटरफेस देखने को मिलता है। और उसकी जो अपडेट्स होती हैं एंड्रॉयड 1 की वो डायरेक्टली गूगल की तरफ से आपको अपडेटेड होती हैं, यानी कि जब भी गूगल अपडेट करता है तो फौरन आपको अपडेट मिलती है, उसका आपको डिवाइस का ये फायदा देखने को मिलता है। फ्रेंड मसला क्या है, फ्रेंड मसला ये है कि जो हमारा फोन होता है वो कुछ टाइम बाद जब उसे अपडेट्स नहीं मिलती तो उसमें कहीं ना कहीं बग रह जाते हैं। और फ्रेंड यही फायदा उठाते हैं हैकर्स और आपके फोन में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं पुराने फोन्स की, जो इनमें जेली बीन आता था या किट कैट आता था या ब्रेड जिंजर ब्रेड आता था, यानी कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आज काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, फ्रेंड इनको इस्तेमाल करना आज के दौर में तो बस ऐसे आग में हाथ डालने के बराबर है। क्योंकि फ्रेंड इसका मसला ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अनसिक्योर हो चुके हैं आज के दौर में, काफ़ी सारे बग्स जो है हैकर के हाथ चढ़ गए हैं इनके। तो फ्रेंड इनको इस्तेमाल करना आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। फ्रेंड अगर मैं बात करूँ यानी कि 5.0 से अबव की या 5.0 की, तो फ्रेंड ये काफ़ी हद तक सिक्योर है। हालांकि इसे कुछ अपडेट्स अब देना बंद कर दिए गए हैं, अपडेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी ये सिक्योर है, उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सिक्योर है। आपको काफ़ी ज़्यादा इससे है पड़ा, बेनिफिट है पड़ा कि ये आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक आपको। हत्ता कि मैं भी यूज़ करता हूँ तो मेरे फ़ोन के अंदर भी 6.0 है, तो जो कि ठीक है यार, अभी तक आउट ऑफ डेटेड नहीं है, यानी कि ठीक है काम चल रहा है तो गुजारा हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड अभी तो हम इतने अमीर भी नहीं हुए कि हम बस ऐसे हर महीने कंपनी फोन लॉन्च करें, फोन खरीदें और पता है क्या क्या। तो फ्रेंड ये तो एक तरीकाकार होता है फोन को बेचने का, क्योंकि इतने ज्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं कि हमें अब तक सही पता ही नहीं चलता अब कि हम किस फोन को खरीदें और किसको न खरीदें। तो फ्रेंड ये तमाम का तमाम सिनेरियो होता है कि किस तरीके से आपको
फोन नया कब खरीदना चाहिए और क्यों अपना फोन खरीदना चाहिए, क्योंकि जब फ्रेंड आपका फोन आउट ऑफ डेटेड होता है तब आपको मसले आते हैं, आपको सिक्योरिटी के साथ आपको रिस्क मिल रहा होता है। तो फ्रेंड इस तमाम सिनेरियो से बचने के लिए आपने फोन को अपडेट करने रहना होता है। तो फ्रेंड मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप अब के दौर में कुछ फोन लेना चाहते हैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एंड्रॉइड 1 की डिवाइसेस खरीदें, यानी कि जिससे एक साथ गूगल का डायरेक्टली सपोर्ट है और आपको डायरेक्टली अपडेट्स मिलती रहेंगी, सिक्योरिटी अपडेट्स, ताकि आप अपने आप को सिक्योर रख सकें, क्योंकि फ्रेंड एंड्रॉइड भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बशर्ते इसे सही तरीके से कंपनीज मेंटेन करें और आपको अच्छी अपडेट्स प्रोवाइड करें। फ्रेंड आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कब और क्यों और कहाँ कैसे नया फ़ोन खरीदें, वरना फ्रेंड नॉर्मली अगर फ़ोन जो होते हैं तो चलते चलते रहते हैं ऐसे दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल, फ्रेंड ये बहुत लंबे चलते हैं। बस मसला यही होता है कि इनके अपडेट्स का मसला होता है, सिक्योरिटी का मसला होता है, बाकी फ्रेंड कोई मसला नहीं होता। आप तगड़ा होकर इसको यूज़ करें। और फ्रेंड मैं अगर आप बता दूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को, या फिर आप मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, आप अपने ही फ़ोन को चाहे पाँच पाँच या दस दस साल भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं और तगड़े यूज़र हैं, ऐसे तगड़ा करके इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो तब फ्रेंड आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है, क्योंकि आपको तब अपडेट्स का होना लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके डाटा के साथ कोई खेल कूद भी सकता है। और फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, पसंद आए जरूर से लाइक करें और दोस्तों लाजमी शेयर करें, इसके अलावा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरीके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।